शून्य भुखमरी। एक अनुमान के अनुसार 2030 तक शहरी भारत जीडीपी का लगभग 75% हिस्सा अदा करेगा और भारतीय शहर देश के निर्मित पर्यावरण के लिए आर्थिक विकास के इंजन के रूप में काम करेंगे। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है, धरातल पर उतना ही मुश्किल है, क्योंकि भारत को विकास के इंजन पर दौड़ाने के लिए जमीन से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ेंगे। 2030 का भारत की पहली कड़ी में हमने शून्य गरीबी की बात की, इसी क्रम में आज बात शून्य भुखमरी की। नमस्कार, मैं हूं रोहित सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं tuple.com। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वर्ष 2014 में 55वें स्थान पर मौजूद रहा भारत 2019 में 102वें नंबर पर आ गया। हालांकि सूची में दर्ज किए गए मुल्कों की तादाद हर साल घटती बढ़ती रही। वर्ष 2014 में भारत 76 मुल्कों की फेहरिस्ट में 55वें स्थान पर था। वहीं 2017 में 119 देशों की फेहरिस्ट में भारत को सवा नंबर मिला था। इसके अलावा 2018 में 119 देशों में भारत का स्थान 103 था। और इसके बाद अभी जो पिछले साल सर्वे हुआ उसमें 117 देशों में भारत को 102वां स्थान मिला। ये तीन शब्द जीवन का आधार माने जाते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसमें से सबसे ज़रूरी एक इंसान के लिए रोटी ही है। आज अगर दुनिया भर की बात की जाए तो हर व्यक्ति का पेट भरने लायक पर्याप्त भोजन होने के बावजूद हर 10 में से 2 व्यक्ति भूख से मर जाते हैं। यह इसलिए क्योंकि हम भोजन के महत्व को समझना नहीं चाहते। एक किसान को अनाज उगाने में महीनों का समय और परिश्रम लगता है और हम हैं कि क्षण भर में ही उसे लात मार के थाली से किनारे कर देते हैं। ऐसे में अगर हम ये कहें कि रोटियां सिर्फ उन्हीं की थालियों से कूड़े तक जाती हैं जिन्हें ये नहीं पता होता कि भूख क्या होती है, ये कटु सत्य है लेकिन पूरी तरह सच है। 2030 का भारत के सतत विकास का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है भुखमरी, या यूं कहें शून्य भुखमरी। भुखमरी तथा कुपोषण मिटाना, विशेषकर गरीबों तथा लाचार लोगों को पौष्टिक और पर्याप्त भोजन सुलभता से प्राप्त कराना है। इसके अंतर्गत कुपोषण को हर उम्र से मिटाने के लिए 5 वर्ष से छोटे बच्चों में बौनेपन और क्षीणता के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत लक्ष्य 2025 तक हासिल करना भी शामिल है। इसके अलावा किशोरियों, गर्भवती एवं स्तनपान कराती महिलाओं तथा वृद्धजनों की पोषाहार की जरूरतों को पूरा करना, खेती की उत्पादकता और खासकर महिलाओं, मूल निवासियों, पारिवारिक किसानों, चरवाहों और मछुआरों सहित लघु आहार उत्पादकों की आमदनी को दोगुना करना, टिकाऊ आहार उत्पादन प्रणालियां सुनिश्चित करना और खेती की ऐसी जानदार विधियां अपनाना जिससे उत्पादकता और पैदावार बढ़े, पारिस्थितिक प्रणालियों के संरक्षण में मदद मिले, जलवायु परिवर्तन, कठोर मौसम, सूखे, बाढ़ और अन्य आपदाओं के अनुरूप ढलने की क्षमता मजबूत हो और जिससे जमीन एवं मिट्टी की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो। इसके अलावा खाद्य जीन्स बाजार और उनके डेरिवेटिव्स के सही ढंग से संचालन के उपाय अपनाना और सुरक्षित खाद्य भंडार सहित बाजार की जानकारी समय से सुलभ कराना भी शामिल है, जिससे खाद्य व्यवस्थाओं के मूल्यों में बहुत अधिक उतार चढ़ाव को सीमित करने में मदद मिल सके।